क्षितिज कब आ रहा है मुझे बता सर, वाज देयर अ रीजन टू ब्रिंग फेलिशियो इनटू दिस? आई जस्ट थिंक कि क्षितिज को बहुत मजा आएगा सर, दिस क्षितिज को मतलब इससे ज्यादा काइंडनेस क्षितिज ने कहीं नहीं देखी होगी। धर्मे भाई, क्षितिज इंडिया आ गया। काफी लोग मुझे बोल रहे भाई देखो दुबई जाना भारी पड़ गया। मैं उनको बोलता हूँ भाई दुबई जाना भारी नहीं पड़ा, दुबई से वापस आना भारी पड़ गया। ये जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ आपको, ये अभी कहानी के तौर पे बताने सुनने में अच्छी लग रही है, बट जिस वक्त मेरे पे बीत रही थी हालत ख़राब हो गई। तो सूरत हालात कुछ ऐसे कि कल 11 तारीख है और दोपहर के 12:40 को मेरी फ़्लाइट है अबू धाबी से मुंबई की, और मुंबई में मैं 12 घंटे एयरपोर्ट पर रुकने वाला हूँ, और नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब 12 तारीख को 6 बजे मेरी फ़्लाइट है बॉम्बे टू नागपुर, जो 7:30 बजे करीब नागपुर पहुँचेंगे। मैं अपने रिश्तेदारों में, भाई दोस्त मित्र मंडल में पहला इंसान हूँ जो ऐसे हालातों में इंटरनेशनल फ्लाई कर रहा है, तो थोड़ा नर्वस आ गया। बहुत अजीब सी फीलिंग है, दिस इज द प्लेस वेयर आई स्टेड फॉर 6 मंथ्स। अब जब जाने नहीं मिल रहा था तब भी बुरा लग रहा था, और अब जाने मिल रहा है तब भी बुरा लग रहा है। बहुत कंफ्यूजिंग है सब कुछ। और दिन हजरात, अभी सुबह के 7 बज रहे, फ्लाइट है 12:40 की, अपना हो गया, अपन रेडी वेडी होके आ गए बाहर बैग वैग लेके, लेडीज़ लोग को टाइम लग रहा है, तो अब मेरे को कोई बोल नहीं सकता कि तेरे वजह से फ्लाइट मिस हुई। ये 25 किलो की बैग है और ये 7 किलो जो दोनों ओवरवेट हो चुकी है आधे आधे एक एक किलो से, तो ये नीचे वाला एक जैकेट, ये वाला और ऊपर वाला एक जैकेट, गर्मी है फिर भी पहनना पड़ रहा है। हकीकत में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, जिंदगी में कई बार फ्लाइट से ट्रैवल किया है लेकिन आज तक ऐसी नौबत नहीं है कि आधा सामान छोड़ के आना पड़े और जितना सामान लेके जा रहे हो वो भी किसी और के हाथ में थमाना पड़ जाए, में से सामान निकल जाए सारा। एक आधी आजू बाजू वाले पूछ रहे हैं आपका बैग 7.5 किलो का है, नहीं अरे ये डाल दो मेरा तो फ्लाइट में एक्सचेंज कर लेंगे। उनके पास हैंड बैग नहीं है, जुगाड़ लगा कर बोलूँ क्या उसका? पूछ लेना, पूछ भाई आपका हैंड बैग नहीं है। एट दिस पॉइंट आई वॉज वेरी हैप्पी, मेरा सामान चढ़ चुका था, ना कोई फ्लाइट कैंसिल होने का मेल आया था और मैं फ्लाइट बोर्ड कर रहा था, सो आई वॉज कमिंग बैक टू इंडिया फाइनली आफ्टर 6 मंथ्स। I was so excited कि पूरे फ्लाइट में मैं 1 मिनट भी नहीं सोया। I made 2 new friends जो मेरे को पैसेंजर्स थे, और 3 घंटा ट्रैवल करने के बाद अगर आपने अपने दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाया तो क्या ही ट्रैवल किया है भाई उनके साथ आपने। I have a question, is Kunal Kamra still banned? You don't know who Kunal Kamra is? Finally India after 6 months। बारिश हो रही है बाहर, जब भी मुंबई आता हूँ बारिश हो रही होती है, पिछले अक्टूबर पे आया था वो टाइम बारिश हो रही थी, अभी आया हूँ अभी बारिश हो रही है, अभी भी बैग वैग उठा के निकलते हैं। ओह माय गॉड आई एम हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। मेन थिंग इज अभी 12 घंटा मेरे को यहाँ वेट करना है क्योंकि सवेरे की फ़्लाइट है। खुशी खुशी का ठिकाना नहीं, ऐसा लग रहा था कि कब ये रात निकले और कब मैं मॉर्निंग की फ़्लाइट पकड़े नागपुर आऊँ, लेकिन अब इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ वहाँ से चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई।
तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही मैं फ्लाइट से निकला, वहां से सबसे पहले प्रोसीजर हुई थी कि आरोग्य सेतु ऐप आपके फोन में होना चाहिए। मेरे फोन में तो था, मैंने लॉग इन भी कर लिया था, पर हमें दिल के सॉफ्टी, हमारे आसपास जितने लोग थे, जो बुजुर्ग है जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, इसको फोन चलाना नहीं आता, एंड्रॉइड फोन है पर चलाना नहीं आता, फोन उठाना डायल करना वो सब आता है, तो मैंने सारों की हेल्प करी, कम से कम 10-15 लोगों के मैंने ऐप इंस्टॉल करके लॉग इन करके, तो ये सब चीजों में मेरे को टाइम लगा। वहां से फिर आगे निकलने के बाद बैगेज उठाया, कस्टम्स क्लियर किया, सब कुछ सही चल रहा था। एग्जिट के थोड़ा पहले देर वर काउंटर्स, ऐसे काउंटर्स लगे हुए थे सारे, कि मेरे को कहाँ जाना है, मुंबई उतर के आप कहाँ जाने वाले हो, मेरा तो सब कुछ सेट था, मेरी फ्लाइट थी नेक्स्ट मॉर्निंग की, तो मैं वहाँ पे जा रहा था। एक बंदा आया, फुल आईडी वाईडी लगा था, एयरपोर्ट के अंदर की बात है, ठीक है, आईडी लगी हुई थी। बंदा आया मेरे पास, पूछता है सर आपको जाना कहाँ है। मैं बोला एयरपोर्ट वाला होगा कोई, आईडी वाईडी लगा के कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से होगा या बीएमसी वगैरह से। तो उसने पूछा कि सर आप कहाँ जा रहे हो। मैं बोला सर मैं चंद्रपुर जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट है कल की मॉर्निंग की। तो बोले ठीक है, आप वो चंद्रपुर की जो काउंटर है, लाइन लगी है वहाँ पे, आप वहाँ पे चले। तो मैं गया काउंटर पे, काउंटर पे जाने के बाद मैंने उससे बात की, जो वहाँ पे इंसान बैठा था, वो मैं बोलता है सर आप बाहर से आए हो और आपको डोमेस्टिक फ्लाई करना अलाउड नहीं है। बोला उनको ऑप्शंस क्या है। तो मेरे को बोलते हैं कि या तो आपको बीएमसी उठा के ले जाएंगे यहाँ से, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले, और आपको 14 दिन क्वारंटाइन कर देंगे, या आप रोड से जा सकते हो, आपको जैसे जाना है। तो मेरे पीछे से जो दूसरा बंदा था, जिसे आईडी वाला जो घूम रहा था, वो आया फ़ोन ऑन करके, अपने फ़ोन में मैप लगा के बोलता है सर ये 900 किलोमीटर है यहाँ से चंद्रपुर, हम गाड़ी प्रोवाइड कर रही हैं। और वो दोनों फिर साथ में मेरे को बताने लग गए कि इतना खर्चा आएगा, ऐसे जाओगे 12 घंटे में पहुँचा देंगे, और ये लोग गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर बैठ के, ठीक है, बेसिकली ये लोग टैक्सीज प्रोवाइड कर रहे थे अंदर बैठ के। तो दिस वॉज द होल स्कैम। उस मोमेंट पे मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं को ऐसा लग रहा था उठाओ दोनों को और वहीं भेज, ठीक है, रोड से जाना है, रोड से मैं जाऊँगा पर आपके गाड़ी से नहीं। मैंने उनको बोला मेरी गाड़ी है यहाँ पे, मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करके खुद चंद्रपुर तक जाऊँगा। तो उन्होंने मेरी डिटेल्स ली, मेरे कार की डिटेल्स ली, मेरा फ़ोन नंबर लिया और सारी इन्फॉर्मेशन चंद्रपुर कलेक्टर ऑफिस में भेज दी कि बंदा यहाँ से निकला है 10 बजे, सवेरे 10 बजे तक, मतलब 12 घंटे में पहुँच जाना चाहिए। सो इतनी सब टेंशन में मेरे को टाइम ही नहीं मिला रिकॉर्ड करने का, पूरी रात भर ड्राइव कर रहा था। और नागपुर पहुँचते पहुँचते 10 किलोमीटर पहले मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, तो वहाँ से फिर मैंने टैक्सी करी। और उसके बाद ये चांदा मेरा शहर, यहाँ पर रास्ता कहर, संभल जाओ सब आई शब्दों की लहर, बचकाने देते गाली भी डोंट केयर, किया खुद के दम पे ना है कोई फियर। ये चांदा मेरा शहर, यहाँ पर रास्ता कहर, संभल जाओ सब आई शब्दों की लहर, बचकाने देते गाली भी डोंट केयर, किया खुद के दम पे ना है कोई फियर। एनीवेयर इन माय हुड सारे बंदे आके गुड़, बातें हमारी कड़वी हमें ना है पसंद, गुड़ 5 रुपए की चाय और पोहे के साथ तो भाई लोग सूरत हाल कुछ ऐसे है कि मलिक भाई खांसी लेके आए और 2 दिन के बाद मेरा कोरोना टेस्ट है। ये चाहते हैं कि मेरे को खांसी हो जाए। अभी सामान ऊपर जा रहा है, मयूर होटल में क्वारंटाइन हो रहा हूँ मैं, ऊपर जाएंगे और मैं फिर आराम से ऊपर जाके बात करता हूँ सीन क्या है कैसा है। अरे भाई व्लॉग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये व्लॉग हो रहा है भाई, यहाँ व्लॉग हो रहा है। बचकाने देते गाली भी डोंट केयर, किया खुद के दम